मैं बहुत परेशान थी कि बाहर मुल्क जाना है और किस तरीके से सब मैनेज होगा। जाहिर अपने बहन भाई अम्मा अब्बा सबको छोड़ के एकदम अलग मुल्क में, बिल्कुल देश परदेश हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी। मुझे पता चला कि शीरी आपा का कोई शो आ रहा है जिसमें अलग 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 वीक्स हैं, देश परदेश वीक मुझे अपने लिए सूटेबल लगा। मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई, ऑडिशन हुए उसमें, मैं डरी हुई थी उसके लिए अलग कि पता नहीं किस सिलेक्शन होगी नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई। तो फिर मैं आई हूँ यहाँ, मुझे काफ़ी सारे टिप्स मिले, काफ़ी एक्सपर्ट्स वगैरह से मेरी बात हुई है, मज़ा आया शो में भी। आप लोग भी आए श्री आपा के शो में और देखना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। मसाला टीवी की, मसाला मॉर्निंग्स की इस मास्टर क्लास के तीसरे दिन आपको खुश आमदीद करते हैं। आज भी हमारा वही टॉपिक है, परदेश स्पेशल, लेकिन आज का थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये डिफरेंट होगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नो योर किचन। हमारी बच्चियाँ जब नई शादी होकर बाहर जाती हैं, मुल्क से बाहर जाती हैं या कराची में अपने ससुराल जाती हैं, तो उनको नो योर किचन के बारे में मालूमात लाजमी होनी चाहिए। कोई तो बहुत लकी होती हैं कि ससुराल सास मिल जाती है, अच्छी नंद अच्छी मिलती है, जो उनको खुद समझा देती हैं, लेकिन आई फील माँ के घर से या अपने मैके से सीख के जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली उन लड़कियों को जो बाहर जा रही होती हैं। आज जो हमारी कंसिस्टेंट है सिमरा, वो लंदन जा रही हैं। अब वहाँ पे ज़ाहरी बात है करेंसी अलग है, पाउंड्स यूज़ होते हैं या रुपीज़ यूज़ होते हैं, वहाँ की सुपरमार्केट्स अलग हैं, महंगाई इतनी है, क्या आपको जाके किस तरह से अपनी किचन को मैनेज करना है, क्या पकाना है, तो ये सब कुछ हमें और सिमरा को बताएंगी। हमारे पास आज एक्सपर्ट है हुमैरा नाज, वो सब कुछ हमें बताएंगी कि ये किस तरह से एक नई बच्ची जो शादी होकर जा रही है बाहर, वो किस तरह जाके अपने घर को संभाले और मैनेज करे और वहाँ जाके परेशान ना हो। बिकॉज नेचुरली सब में बड़ा गम तो ये होता है फैमिली को छोड़ के बच्ची दूर जा रही होती है, और फिर जाते ही उसको वहाँ पे काम करना होता है, ग्रोसरी करनी होती है, खाना पकाना होता है, हर चीज़ होती है, मियाँ को ख्याल रखना पड़ता है। तो ये पहले से सारी चीज़ें अगर आती हों तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ, हुमैरा नाज की तरफ, अपनी कंसिस्टेंट की तरफ जो सिमरा है। अस्सलाम वालेकुम सिमरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? सब में पहले तो आपको मुबारक, आपकी शादी होने वाली है और आप लंदन जा रही हैं माशाल्लाह से, तो कैसी फीलिंग है? डरी हुई हूँ ऑब्वियसली, तभी यहाँ आई हूँ ताकि एक्सपर्ट मुझे बता सकें कि किस तरीके से मैनेज करना है, क्या करना है। डोंट वरी, आपको परेशान तो होना ही नहीं है, इसलिए कि बेटा जब शादी होती है तो इंसान को कुछ नहीं आता, और जब बच्ची पर पड़ती है तो वो खुद ही सीख जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हुमैरा है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपा। आप तैयार हैं इस बच्ची को एक्सपर्ट करने में? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे आज का पहला सवाल पूछती हूँ जो आप समझाएंगी। आपको ये बताना है कि जब हम इस बच्ची की शादी होगी और जब वो अपने घर जाएगी, तो ये कि इसके पास वहाँ जाके काम नहीं कर रही होगी, मियाँ के पास लिमिटेड बजट होता है, तो वो उस लिमिटेड बजट में अपना महीना किस तरह चलाए परेशानी के बगैर। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिए ताकि बिल्कुल शील भी रिलैक्स। बिल्कुल आपा, मैं यहाँ अभी बोर्ड चार्ट पे जो है इनको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने सबसे पहले वहाँ जाके परचेज करनी है, कि इनको पता होना चाहिए कि ग्रोसरी आइटम्स क्या क्या हैं, एग्जैक्टली कि इन्हें क्या क्या परचेज करना है और कितनी क्वांटिटी में, क्योंकि एक तो ये भरे पूरे घर से जा रही हैं, अब वहाँ सिर्फ ये दो मियाँ बीवी ही होंगे, तो जब हम कुछ लेने जाते हैं तो लिमिटेड ही लेनी, चीज़ें भी हम लिमिटेड परचेज करेंगे कि दो लोगों के हिसाब से हमने कितना कितना ग्रोसरी लेनी है, जो कि हफ्तावार, अगर क्योंकि वहाँ बाहर मुल्कों में हफ्तावार ग्रोसरी होती है, बिल्कुल, तो वो हफ्तावार इन्होंने क्या क्या लेना है, रॉ में क्या लेना है, फिर पैकेट्स किस तरह बनने हैं वो मैं इनको समझाऊंगी कि किस तरह मीट के पैकेट बना के ये दो लोगों के हिसाब से रख दीजिए, फिर उस तरह किस तरह इन्होंने मैनेज करना है, क्या मेन्यू है, वो इन्हें मैं चैट बोर्ड पे बता। ठीक है,
ठीक है। बाकी ये है कि बच्ची का माशाल्लाह मैं कहूँगी मेरी तरफ से भी मुबारक हो इसको कि शादी हो रही है, और ये जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं मैं इनको यही कहूँगी कि बजट, क्योंकि जहाँ ये जा रही हैं वो एक महंगा कंट्री है, ऑब्वियसली पाउंड में हम नज़र आता है कि यहाँ पैसे ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन वो रिहाइश के लिहाज से भी महंगा है और एक्सपेंसिव कंट्री है, तो उधर बहुत सोच समझ के इनको पैसे खर्च करने होंगे। नहीं, और शादी के बाद ये भी तो मसला होता है ना कि आज क्या पकाना है। बिल्कुल यही है कि बच्चियों को नहीं पता होता, हाउनों नहीं होती कि पकाना क्या है। प्लस ये कि किचन में, क्योंकि अपने जब ये ससुराल जाएंगी तो इन्हें किचन का पता ही नहीं होगा कि नमक की बोतल किधर है, मिर्च की बोतल किधर है, वो इन्हें यहाँ पर भी मैनेज करनी होगी और वहाँ जाएंगी तब भी मैनेज करके उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक स्टिकर्स आते हैं वो इन्हें लेकर जाने होंगे, या फिर ये बना के लेके जाएँ और वो स्टिक आउट कर दें हर बॉटल पर ताकि इनको ईजीली सामने चीज़ नज़र आ जाए किचन में। और मैं अगर आप कहती हैं तो मैं अभी मैं आपसे एक आध और सवाल पूछती हूं। बिल्कुल बताइए। आ रही है हमारी ब्रेक से आने के बाद आप फिर इनको समझाइएगा। तो आपको बस यही बताना है कि किस तरह घर के मेन्यू को सेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। एक तो आप इनको ये समझाएंगी और दूसरा ये कि इनके हस्बैंड के बजट में ये घर पूरा महीना किस तरह चलाएंगी। बिकॉज बहुत सी बच्चियों को शौक होता है कि भाई खाना नहीं पका रहे, फूड नहीं हो रहा, चलो जी मियाँ जी प्लीज़ आज बाहर चल कर बर्गर खा लेते हैं, आज पिज्ज़ा खा लेते हैं, तो ये भी तो सब देखना पड़ता है ना, आपके बजट में आ रहा है नहीं आ रहा है, घर का खाना कितना ज़रूरी है, किस तरह से आप मैनेज करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपा मैंने ये कहूँगी कि एक डायरी में सारा मेन्यू नोट कर लीजिए, क्या क्या बना सकते पूरे महीने का, पूरे महीने का आप मेन्यू लिख लीजिए, उसमें आपको जो पसंद आ रहा है आपको नज़र आ जाएगा कि कट डाउन हम क्या क्या कर सकते हैं, कम उसमें बजट में क्या पका सकते हैं, किसी दिन दाल बन गई, किसी दिन गोश्त बन गया, तो इस तरह मैंने, और फिर ये रहते हुए कि हमें एक हफ्ते में एक दफ़ा बाहर की आउटिंग भी करनी है, खाना बाहर भी खाना है, तो उस लिहाज से ये डायरी जब इनके पास बनी हुई होगी तो इनको इजी हो जाएगा अपना खाना बनाना कि मुझे आज क्या बनाना है, सामने लिखा हुआ होगा, लिस्ट होगी, ये सामने कुछ भी बना सकती हैं। इसके लिए आपको सिमरन समझ आ रहा है? जी जी मुझे समझ आ रहा है। और कोई आपके दिमाग में इस वक्त कोई सवाल घूम रहा है कि आप पूछें हमारा से? नहीं अभी तक तो नहीं है, मैं कंफ्यूज हुई तो मैं ज़रूर पूछूंगी। ठीक है ठीक है ओके। तो मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक पे हम जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे, फिर हम हमारा को कहेंगे कि इस बोर्ड पे आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और सिमरा के लिए भी आसानी होगी कि किस तरह से रोज़ के मेन्यू को प्लान करना है अपने बजट में रहते हुए। ठीक है, एक नंबर वन, और दूसरा मेन्यू किस तरह आपको प्लान करना है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला क्लास ओनली ऑन मसाला मॉर्निंग्स। जब आप ही का रिश्ता आया था तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जा रही थी तो हम सब के लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग था, और मेरे लिए सब में ज़्यादा स्पेशल इसी वजह से था क्योंकि मेरा खाना पीना सब मोस्टली आप ही देख रही होती थी, तो मैं सब में ज़्यादा टेंशन में आ गया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा खाना पीना कौन करेगा, कौन ला के देगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि फ्यूचर के लिए आप ही के लिए हमने सोचा, तो डिसीजन हमने फिर लिया। अभी बाय द वे हम इनको मिस बहुत करूँगा मैं, क्योंकि क्योंकि बहन रहे हैं बचपन से, हम लोग अटैच रहे हैं इनसे, और हमारे एज गैप भी इतना नहीं है, 1 ईयर का डिफरेंस है ओनली। अभी रिसेंटली उन्होंने मेरे फ़ोन तोड़ दिया तो अच्छा है बाहर जाएंगी लेकर आएंगे अपने शौहर के पैसों से, यही होगा। अच्छा ठीक है। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग मास्टर क्लास, और आज हमारा तीसरा दिन है क्लास का, और हुमैरा हमारे साथ है जो कि सिमरा को बताएंगी कि शादी के फौरन बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में, और भी बहुत सी बच्चियां जो इस वक्त हमारे को देख रही हैं जिनको नहीं पता है, जो ब्राइड्स टू बी बनने वाली हैं उनके लिए ये बहुत काम आएगा। जी हुमैरा। जी आपा, सबसे पहले मैं दो पार्टीशन कर रही हूँ, एक तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉसरी, ठीक है, दूसरा आपके पास आएगा मेन्यू। अच्छा, ग्रॉसरी में आपके पास जो जो चीज़ें आपने लेनी है, आप दो लोग हो, दो लोग के हिसाब से आपने सबसे पहले तो आपने लेना है ऑयल,
कुकिंग ऑयल जो होगा वो 2 kg इज़ इनफ फॉर अ मंथ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओनियन, उसके पास आप गार्लिक, जिंजर, ये चीज़ें मेन हैं जो आपके खाने पकाने में यूज़ होंगी। यानी आपके पास टोमेटो भी आ गया इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मेन हैं। उसके बाद आपने सब्ज़ी लेनी होगी, जो कि हफ्तावार जो भी आप सब्ज़ी लेना चाहो आप ले सकती हो। मीट में आपने चाहे बड़े का गोश्त है, छोटे का गोश्त है, वैसे बाहर के मुल्कों में मटन ही खाया जाता है, तो मटन आप लेंगी 1 kg इज़ इनफ। फिर आपने लेना है बीफ, अगर आप लेना चाहें वो भी 1 kg इनफ। चिकन हो गया CHICK, चिकन 1 kg, एंड फिश, ठीक है, ये भी 1 kg। अब इसके आपने पैकेट्स बनाने होंगे, ठीक है। 1 kg आपके पास आ गया, इसके आपने ½ kg के पैकेट्स बना लिए, ये आपके लिए 1 week के लिए इनफ है। ये वाला आपका मीट भी हो गया। दालें आप जो खाते हैं वो आप 250 ग्राम से दालें सारी परचेज कर लीजिए, ठीक है। साबुत मसाले हो गए आपके पास, सॉल्ट हो गया, ये सारी ग्रॉसरी आपने आइटम लिखने हैं आपने परचेज करने के लिए। आपने चली गई, आपने 1 हफ्ते की ग्रॉसरी ले ली। देन मेन्यू में जब हम आ जाते हैं तो आपने कढ़ाई बनाई, ठीक है, कढ़ाई आ गई आपके पास। आपके पास आ गया, मैं ये डायरी बनाने को कह रही हूँ, दाल चना। फिर आपके पास आ गया कोफ्ता, जो आपने कीमा लिया उससे बनाएंगे, ये चिकन की आप बनाएंगे, ये दाल आपके पास जो भी है, कोफ्ता आ गया आपके पास। आपके पास मिक्स दाल आ गई, ठीक है, चपली कबाब आ गए, ये आप बना के फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं, चपली कबाब आ गए। उसके बाद आलू, अंडा, ठीक है, अंडा अगर आप चाहें तो आप ग्रॉसरी में पूरे महीने का भी लेके, वहाँ तो पूरे महीने के ही क्रेट्स मिलते हैं। आपने आलू अंडा बना लिया, आपने उसके बाद आपने ग्रेवी की कोई भी आइटम आप जो मीट का बना रहे हैं आप उसके साथ सब्ज़ी ऐड करेंगे, ठीक है, कोई भी सब्ज़ी, मीट चाहे आलू गोश्त हो जाए, चाहे आपके पास जो भी भिंडी गोश्त है, अरवी गोश्त है, जो सब्ज़ी आप लेना चाह रहे हैं उसके साथ आप मीट मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है ना। और ये सिर्फ आप जो पैकेट बना रहे हैं वो आधा आधा किलो के हिसाब से, आधा किलो में आपने सब्ज़ी कितनी लेनी है, 1 पाव इतनी सब्ज़ी आप मिला के ये बनाइए। और आपने इसके अलावा करना क्या है, फ्राई ओनियन, यहाँ से जाओगी जब तो कुछ पैकेट्स ले जाना, और जब वहाँ ख़त्म हो जाए तो फ्राई ओनियन, वहाँ बनाना भी बड़ा इजी होता है, आप बहुत सारे ओनियन को एक ही टाइम पे जब आप फ्री हो तो आप फ्राई करके रख सकते हो, जब बनाना हो इजीली बन जाता है। आपको नहीं पता है फ्राई ओनियन से। तो लंदन में ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर पे नहीं जाती है, आपको फ्राई ओनियन यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं, इतना वेट कैरी करके ले जाओ वहाँ से। हाँ, लेकिन ऑफकोर्स जाते ही साथ आप अपने पाउंड में खर्चा करो तो बेहतर है आप यहाँ से ले जाओ। बिल्कुल। अच्छा, मसाले में आपके पास जो होगा, आपके पास जो खुश्क मसाला जाते हैं आपने उसमें लेना होगा, जब आप ग्रॉसरी ले रही होगी तो रेड चिल्ली, ये पाउडर में भी होगी और कुटी हुई भी होगी, ये दोनों आपने लेनी है, ठीक है, पाउडर भी और कुटी हुई भी। रेड चिल्ली पाउडर हो गया, हल्दी, धनिया, धनिया हो गया, हल्दी हो गया, और आप अगर आपको यस ज़ीरा, गरम मसाला, सॉल्ट, मेन आइटम बिल्कुल सॉल्ट, गरम मसाला हो गया, साबुत मिर्च, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए लाजमी, ठीक है ना, ये आपने परचेजिंग करनी है, ये आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद मैंने जब बताया था छोटे छोटे जार्स आप वहाँ से परचेज कर लेना, उसके बाद स्टिक आउट कर लीजिएगा नेम्स लिख के, ये जितने मसाला ज़्यादा हैं आपने उसके ऊपर नेम लिख के, आपके पास अगर स्टिक नहीं है तो वो जो स्कॉच टेप आता है चौड़ा वाला वो आप लिख के बॉटल पे आप रैप आउट कर दो तो आपका वो स्टिक हो जाएगा, आपका नाम लिखा होगा, आपको ईजिली जहाँ आप किचन के कैबिनेट्स हैं वहाँ ईजिली आपको ये मसाले जात की बॉटल्स मिल जाएंगी। और दूसरा ये है कि आप अगर आटा गूंद रही हो तो आटे में पानी आपने इतना थोड़ा थोड़ा करके गूंदना है आटे को, और आटे के लिए भी आप वहाँ कोई एक छोटा सा कैन रखिए जिसमें आपने गूंदा हुआ आटा रखा हुआ हो, ठीक है, वो फ्रिज में जाएगा। बाकी ये है कि आपने किचन को क्लीन करना है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी अभी कि किचन को क्लीन किस तरह करा जाएगा। नीड टू बाय राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइस, यस, ये राइस बहुत जरूरी है, राइस, राइस और आटा, आपा आटा है, चावल है, आटा एंड राइस। अच्छा, मेरे एक सवाल था जी कि ये तो चले फ्राइड आइटम भी चलो हमने फ्रीज कर लिए,
कुछ होते हैं हाफ डन करके मील हम लोग फ्रिज में डाल लेते हैं, yes. तो कुछ ऐसी रेसिपीज या कुछ टिप्स हों ऐसी जो मैं जान सकूं ताकि बिल्कुल फौरन रेडी हो सके आप खाना। आप जो है ना मीट को जब लेकर आए हो गोश्त को गलाने के लिए सारी चीज़ें डाल के छोड़ दो। ये मेरी अपनी रेसिपी है कि आपने प्याज भी डाल दिया, अदरक लहसुन भी डाल दिया, सारे मसाले जात भी डाल दिए, वो आपका गल के जो मीट है वो फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको पकाना हो आपने वो पार्ट निकाला, उसमें सब्ज़ी फ्रेश डाली, ऑयल डाला और भून लिया उसको। जो सब्ज़ी डालोगी वो सब्ज़ी उसी गोश्त के, जैसे आपने उस सब्ज़ी में आपने डाल लिया गोभी गोश्त डाला, गोभी के साथ गोश्त मिला लिया अरवी के साथ, तो वो आपका गोश्त रेडी होगा, उस पर सिर्फ आपने भूनना होगा उसको। और सबकी टाइम ड्यूरेशन भी पता होना कि लाइक कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, क्या टाइम होगा उनका फ्रीजर में। बेटा मैं मेरे हिसाब से फ्रीजर में एक हफ्ते ज्यादा आपा मैं तो नहीं रखती, इससे ज्यादा फ्रीजर खराब हो जाता है। चाहे वो गोश्त हो चिकन का तो स्पेशली फ्रीजर में रखने से दो तीन दिन में यू नो टेस्ट स्टार्ट चेंजिंग, तो इट्स बेटर यू अब रोज तो नहीं जा सकते ना, हफ्ते की ग्रोसरी लिया करो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आप इनको ये भी बता दूं कि वहाँ, क्योंकि यहाँ से आप वहाँ जाओगे तो आपको जो चिकन मिलेगी वो आपको खाल वाली मिलेगी, वो आपको खाल रिमूव करनी होगी, उसको रिमूव करके पार्टीशन करके पैकेट्स बना के रखने होंगे आपको वहाँ पर। सब में पहले तो मुझे एक बात बताएं कि आपको गोश्त धोने में, कीमा धोने में, चिकन धोने में कोई मसला होता है? नहीं नहीं, मतलब यू आर इजी। आपका ये वाला वैलिड सवाल है बच्चियों का। आई यूज्ड टू हेट इट व्हेन आई गॉट मैरिड, अल्लाह मियां मैं तो चम्मच से धोती थी। एक्चुअली मेरा भी यही हाल था, मैं मुझे लाइक बकरा ईद आती थी ना, हाँ। कमरे में बंद हो जाओ, लेकिन जब देखा काम करते करते मजा आने लगा कुकिंग में तो फिर चले गए। अच्छा, उसके लिए आप वो भी बच्चियां आजकल ग्लव्स पहन के जो है काफी सारी चीजें अब तो आ गई हैं, तो ग्लव्स पहन के उनको वो थोड़ा सा हेजिटेशन फील करती हैं और कुछ नहीं है, ग्लव्स पहन के वो ये काम कर सकती हैं। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है नाज़रीन, इधर आ चुका है ब्रेक का वक्फा, तो हम चलते हैं अपने ब्रेक की तरफ। आपको कहीं नहीं जाना है, वापस आएंगे और आके आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि बस बाहर भी जा रहे हैं तो घर ही संभाल रहे हैं, तो मेरा प्लान है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मेरा प्लान है कि मैं अभी वहाँ जाऊँ, अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ। तो वो भी मैंने लाइक टिप्स वगैरह लिए हैं उनसे, तो मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखूँगी, अपने घर वगैरह भी चलाऊँगी साथ में, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। द रीज़न मैं श्री आपके शो में आई हूँ ताकि मुझे टिप्स वगैरह मिल जाए और हर चीज़ में आसानी हो मुझे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप कर लोगी ना? कर लूँगी शिवाय। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स मास्टर क्लास। और अब मैं, जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने हुमैरा से एक सवाल किया था, मैंने कहा किचन की सफाई बहुत लाजमी है, बहुत ही लाजमी है। बच्चियाँ क्या करती हैं, यहाँ तो नौकर होते हैं, हमने काम किया और हमने किचन को छोड़ दिया कि चलो मासी और लड़का साफ कर देंगे। वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा बेटा, और अगर मिलेगा तो पाउंड्स में आपको उनको पर आर पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा हमारे किचन में जो कॉकरोचेज़ हो जाते हैं, बग्स हो जाते हैं, उनके लिए प्लीज़ कुछ बता दें। इसके लिए बिल्कुल आपा बहुत इजी और सिंपल रेमेडी में बता रही हूँ बेटे, वहाँ से अगर एक स्पून मुझे दे दो। अच्छा आपा, ये मैंने लिया है खाने वाला आटा जो हम खा रहे होते हैं रोटी जिससे बनती है, ठीक है? जितना हमने आटा लिया है समझ ले ये 1 टेबल स्पून हमारे पास आटा है, ठीक है? उतना ही हमने बोरिक पाउडर ले लिया। अच्छा, ठीक है, ये मिक्स कर लिया। देन इसको हमने सिर्फ लिक्विड बनाना है, इस दूध से, लिक्विड दूध से पेस्ट टाइप का बना लेना है। आपके पास आप चाहे इसकी तो गोलियां बना लें, इसको भी बेवकूफ बना रहे हैं। आपा बेसिकली बोरिक पाउडर वो खाता है, आता तो आटे के चक्कर में है लेकिन खाता बोरिक पाउडर है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाते हैं। आपको मर नहीं जाते, मरते नहीं, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। 6 महीने के लिए आपकी छुट्टी। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं अपने घर में भी करती हूँ क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो ये घर में आप जहाँ चाहें आप इस लिक्विड को
पूरे अपने किचन कैबिनेट के अंदर लगा दीजिए, कैबिनेट से बाहर सिंक के नीचे कहीं भी आप ये लगा दीजिए, ये खाने के बाद कॉकरोच गायब हो जाएगा। 1 टेबलस्पून आटा, 1 टेबलस्पून बोरिक पाउडर एंड मिल्क टू मेक अ पेस्ट। ओके, ये आपने कॉकरोचेस के लिए जो छोटे बड़े जितने भी हैं सब गायब हो जाएंगे 6 महीने के लिए, ये इतनी गारंटी है मेरी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ आपा कि ये बग्स आ जाते हैं और मच्छर आ जाते हैं घर में, आपने एक लिक्विड बनाना है। इस लिक्विड में मैंने सिंपल पानी लिया है, पानी के बाद मैं इसमें लूँगी आपके पास। अच्छा, मक्खियाँ बारिश के बाद? बिल्कुल, ये मक्खियों के लिए, मच्छर के लिए, तमाम तरह के, और मक्खी मच्छर के अलावा भी आपने देखा होगा छोटे छोटे भुनकियों वाले कीड़े उड़ रहे होते हैं, ये उनके लिए भी है, और वो जब बाइट करते हैं ना तो वो बहुत बुरा बाइट करते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसमें मैंने 2 लेमन लिए हैं, तकरीबन 1/2 ग्लास मैंने इसमें पानी लिया है। उसी के छिलकों विलकों के साथ डाल दिया। लेमन का जूस भी आ गया इसमें, छिलके भी आ गए, कुछ लौंगें आप चाहें तो, लौंग आपके ये इसकी खुशबू से ही सारी चीज़ें भाग जाएंगी, और क्लीनिंग इतनी अच्छी होगी अगर आपने किचन में स्प्रे करके आपने वाइप आउट किया तो ये चमकता हुआ आपका किचन रहेगा, ख़ास तौर पे इस बच्ची को मैं बता दूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड भी करेंगे, अभी मैं सिर्फ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सिंपली आपने ब्लेंड करने के बाद ये हो गया ब्लेंड। अच्छा, बस इतना सा ब्लेंड करना जी? बिल्कुल, उसके बाद हम इसको छानेंगे, इसको छान लेंगे, और छानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। और लेकिन आप मुझे बताओ, हमारा थोड़ा सा और ब्लेंड नहीं करना है? सब तो उसी में ही रह गया। नहीं नहीं आपा, ये सब इसमें आ गया, इसका जूस भी आ गया, छिलके अच्छा। भी आ गए, ये देखिए कलर चेंज हो गया ना इसका, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। बिल्कुल, अच्छा ये कलर भी चेंज हो गया। इसके अंदर अब आपने डालना है कैम्फर, ये काफूर की टिक्कियाँ है, ये आप चाहें तो इसको आप ये पूरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसी की खुशबू से, क्योंकि ये कीड़ा मारता है, कैम्फर आपका जो है जर्म्स को ख़त्म कर देता है। अब जब ये डिसॉल्व हो जाएगा में कपड़ों के साथ, जिस कपड़े रखे होते हैं बाद दफ़ा जिंगर आ जाता है जी, ये इसकी आप गोलियां जो हैं वो भी रख सकते हैं। वो तो मैं रखती हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द स्प्रे? स्प्रे जब ये डिसॉल्व हो जाएगा, जब हम इसको, अभी तो ये मैंने गोली इसमें डाली है लेकिन ये डिसॉल्व हो जाती है तो मैं इस बॉटल में इसको डाल के स्प्रे करेंगे, कहाँ कहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि बग्स आ रहे हैं, ये मॉप के अंदर भी डाल सकते हैं। अच्छा, आप जब मॉप लगा रहे हैं पूरे फर्श पे स्प्रे कर दें, या थोड़ा सा लिक्विड आप उसमें डाल दीजिए बकेट के अंदर, और फिर उसके बाद आप मॉप लगाइए, तो आपके पास मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं आएगा, और आप खुद देखेंगे कि आपका घर क्लीन एंड वो रहेगा। समझ आ रहा है सिमरा? सिमरा को ज्यादा समझने की जरूरत है। अच्छा आप, ये सब चीजें ना मैं अपने बच्चे को बता रही होती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें कर दिया है थोड़ी सी, इसमें आप देखें लेमन की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब जब इसके अंदर कैम्फर भी चला जाएगा, ये आपने बॉटल लेनी है समरा, और किचन में आपने स्प्रे करना है, कहीं भी आप जाए ना किचन में स्प्रे करके क्लीन कर दोगी, आपका किचन साफ सुथरा हो जाएगा, गंद जैसे किचन में जो वो जो चिकनाई होती है ना, ये चिकनाई को भी रिमूव कर देगा, एंड देन आपके पास कोई मच्छर मक्खी भी नहीं आएगा आपके पास किचन में काम करते वक्त, ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि मॉप जब लगा रहे हो घर में तो इतना ही, जितना मैंने ये लिक्विड लिया है इतना बकेट में डाल लो, और उसके बाद आप इससे मॉप लगाइए घर में, तो आपके पास खुशबू भी होगी, खुशबू भी होगी पूरे घर में, आपको फिनाइल लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, जबरदस्त लेमन की खुशबू, लेमन की खुशबू आ गई इसमें, आपको कोई खुशबू लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने लिया पानी जी हस्बे जितना आपको स्प्रे बॉटल में चाहिए। ओके, पानी लिया सपोजिंग 2 कप जी, 2 कप में आपने 2 नींबू बीच से काट के डाल दिए, डाल, ठीक है। उसके बाद आपने चंद लौंगे डाली, 1 टेबल स्पून जितनी आपने लौंग डाल दी, फिर आपने उसमें डाला कैम्फर, नहीं पहले आपने उसको ब्लेंड कर लिया, ब्लेंडर में कैम्फर या वो जो होता है वो मत डाल दिएगा काफूर, बिकॉज फिर आपको उस ब्लेंडर में खाना बनाना है, ब्लेंड करना है, चटनी पीसनी है, खुदारा ये नहीं कीजिएगा, धोने से भी फिर वो स्मेल नहीं जाती, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने ये सब पीस लिया, ब्लेंड कर लिया, छान के अपने बॉटल भर ली, और फिर आपने काफूर की गोली डाल दी, जरा सा उसको क्रश कर लीजिए, हाँ क्रश करके डाल दें तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी माशाल्लाह। आपा ये वो चीज़ें हैं जो मैं घर में खुद यूज़ कर रही होती हूँ, वेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कीड़ा कोई मक्खी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है घर के अंदर, जबरदस्त। इवन फॉर कॉकरोचेस के लिए, इवन कॉकरोचेस के लिए इसकी अच्छा, और जो आपने पेस्ट बनाया है ये किस तरह लगाएंगे हम? ये आप
आप स्पून से ही लेके आप ड्रॉज में, जैसे आपने कहीं स्प्रेड आउट कर दिया, अच्छा। कहीं भी आप ड्रॉज खोलें, अंदर स्प्रेड आउट करते चले जाएं, किचन के कैबिनेट्स खोलें, अंदर स्प्रेड आउट करते चले जाएं, अच्छा। कोने वाली जगहें जो होती है ना, जो अंदर छुपी हुई जगह जो होती है, आप उन जगहों पर सब जगह स्प्रेड कर दीजिए। और इसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये वाला इतना आजमूदा टोटका है, मैं ये बता रही हूँ कि वाकई 6 महीने तक आपके रॉचेस गायब। हाँ, लेकिन ये एक बात मैं बताऊँ कि आप ये सोचें कि अगले दिन गायब हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको कम से कम 2 से 3 दिन के बाद पता चलेगा कि रॉचेस गायब होना शुरू हो गए। सही, इट्स नॉट मैजिक। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच हुमैरा, आपने हमें आके इतनी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अभी अच्छा, आई हैव अ क्यूरी कि ये जो आपने जो बनाया है कॉकरोचेस के लिए, राइट, आप कह रही हैं कि कहीं भी हम लगा दें तो लगा के लाइक छोड़ दें हम, कोई वो तो नहीं होगा, भूल जाएं उसके बाद उसमें आपने वहाँ उस जगह पे गीला कपड़ा नहीं लगाना, उसको वॉश नहीं करना है। अच्छा, और एक और बात, जब आप उस ड्रॉ में लगाएंगे और जब आप उस ड्रॉ में से कोई भी चम्मच या कोई भी चीज़ निकालेंगे टू यूज़ इट फॉर कुकिंग, प्लीज़ उसको अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात सही है। तो थैंक यू सो मच, आपको मैं अभी छुट्टी नहीं दूंगी बिकॉज आपको मेरे साथ सीखना है कीमा, आलू कीमा बनाना, ठीक है? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा फॉर कमिंग एंड गिविंग हर सो मच इन्फॉर्मेशन, एंड दिस बोथ द रेसिपीज वर टू गुड। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने कुकिंग के सेगमेंट की तरफ और आज हम सिमरा को बताएंगे, ये मेरी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आलू कीमे की। और आलू कीमा मैं आज जो बना रही हूँ बेटा वो चिकन के कीमे से बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप बीफ का कीमा ले लो, आप मटन का कीमा ले लो, आपकी मर्जी है। इसके लिए आपको चाहिए अनियन 1 लार्ज स्लाइस्ड, ओके, टोमेटोज चाहिए आपको चॉप्ड, बारीक चॉप कर लो, वरना ज़िंदगी वहाँ पे आसान करने के लिए आपने 2 टमाटर के 4 टुकड़े करके उसको चॉपर में डाला, एक दफ़ा प्रेस किया वो चॉपर आइज हो जाएगा, ओके, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हरी मिर्चें चाहिए। अच्छा, मुझे जो मेरी आलू कीमे की रेसिपी है उसमें मैं लाजमी छोटी मेथी डालती हूँ और इससे कीमा इतना लजीज बनता है। अगर बाहर लंदन में आपको छोटी मेथी नहीं मिले तो कीमा तैयार होने के बाद आप लास्ट में, अगर मियाँ को और आपको उसकी खुशबू पसंद है तो 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल, कसूरी मेथी, ठीक है, ठीक है, अगर नहीं पसंद है भूल जाओ, अवॉइड, ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, यस। और ये आलू है जो हम शुरू में ही डाल देंगे बिकॉज आलू को गलना है। एक कप हम एक आलू लिया था जिसको हमने छोटे क्यूब्स में काट, ठीक है। अब हम लेते हैं अपनी कढ़ाई, सिमरा इसमें आप ऑयल डालिए, आप देखें जी, मैं आप डालो, मैं देख रही हूँ। अब आपके ऊपर है, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी की चिक चिक होती है, तेल ज़्यादा क्यों डाला खाने में, हाँ। कम डालो, ठीक है, तो अब ये आप उनको अंडरस्टैंड करते हुए डालेंगे, ठीक है, बिकॉज आई लाइक माई फूड टू बी विद लिटिल एक्स्ट्रा ऑयल ताकि उसकी शक्ल खूबसूरत लगती है और ऊपर थोड़ा सा लुक आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने तकरीबन अभी डाला है 1/4 से 1/2 कप ऑयल। अच्छा, ये गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। अब साबुत गरम मसाला आप डाल लो मिक्स, ठीक है, देखें हम इसमें डालेंगे बेटा 2-3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 आप डाल लो इसमें दालचीनी का स्टिक। मैं लेती हूँ, मेरे पास अभी रह नहीं, ठीक है, ठीक है। और आपने नहीं
प्याज डाली, ठीक है, आपने पहले प्याज डाली, प्याज को हम हाफ डन करेंगे। थैंक यू बेटा। अच्छा, जब तक ये प्याज हाफ डन हो रही है, जब ये प्याज हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो मैं फौरन इसमें डाल दूंगी दो बंच मेथी, छोटी मेथी। अगर छोटी मेथी नहीं मिल रही है वहाँ, तो आप एक कप बड़ी मेथी की गड्डी लेके वो भी तोड़ के डाल सकते हो, वरना एंड में कसूरी मेथी डालिएगा। समझ आ गया आप लोग को? समझ आ गया? ब्रेक आ चुकी है तो मैं चल रही हूँ ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे जब तक ये हमारा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, फिर हम आके इसमें आलू और टमाटर और मसाले डालेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग मास्टर क्लास। और हम बना रहे हैं आज खास सिमरा के लिए आलू कीमा। सिमरा, एक बात आपको बता दूँ जी। अच्छा, पहले आप लोगों को बता दूँ मैंने क्या किया। तेल लिया हमने अबाउट क्वार्टर से हाफ कप, उसमें हमने डाला साबुत गरम मसाला अबाउट मिक्स 1 टेबलस्पून, एक प्याज स्लाइस, और जब प्याज हमारी खूबसूरत सी लाइट गोल्डनिश लाइट पिंकिश होने लगी तो हमने उसमें क्या डाला, मेथी, दो छोटी गद्दी मेथी की डाल दी, ठीक है, उसको ज़रा सा फ्राई किया और हमने साथ में आलू डाल दिए। रीज़न आलू पहले डालने का रीज़न ये है, अगर मैं टमाटर डाल देती आलू नहीं गलता, आलू गलता लेकिन बहुत टाइम लेता, तो मैंने पहले आलू डाला। आलू के साथ हमने आधा कप पानी डाला और इसको देखें गलने के लिए छोड़ दिया। अब बेटा आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालो। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, और इसी में आप इसको हिलाओ सिमरा, और मैं इसी में सारे मसाले लूँगी। मसाले में मैं डालूँगी नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी टर्मरिक 1/2 टीस्पून, ऑल स्पाइस दैट इज गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तो हो गया हमारे मसाले। जब भी आप मसाला डालो तो थोड़ा पानी साथ जाएगा, ठीक है, इसलिए कि ये जाते ही मसाले जले नहीं, लगे नहीं, ठीक है, ठीक है। आप पानी डालो क्वार्टर कप, बस थोड़ा सा इसमें डालो बेटा पानी। अच्छा आपा, मुझे एक बात पूछनी थी। बोले कीमे में दही भी डाल रहे हैं, टमाटर भी डाल रहे हैं, सब मिक्स करके बना देते तो कोई मसला तो नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, 2 टेबल, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून दही अगर डालना चाहो तो। फ्लेम तेज करेंगे आपा थोड़ी सी। अब आप इसमें टमाटर डालें, 2 to 3 chopped tomatoes, finely chopped tomatoes, कीमा डालो बेटा। और मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ सिमरा, कि इसके लिए आपके जहेज के लिए मैजेस्टिक शेफ लाया है इस साल शादी के सीज़न में, शेफ की सारी चीज़ें डिस्काउंट पे। मसाला 05 लिख के आप उनके वेबसाइट पे जाओ तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, ठीक है, तो आप अपने इसके लिए आप जहेज के सामान पे हासिल करेंगे 40% तक के खसूसी डिस्काउंट, नॉट 5%, 40%, ठीक है जी। आपा
और बहुत ही शानदार पैकेज है जो कि सिर्फ 35,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। ज़बरदस्त। पापा इसको ढक दूँ या ऐसी पकाना? हाँ, थोड़ी देर ढक दो, फिर पानी वानी नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा सा गलने पे आएगा तो हमें इसको अच्छी तरह भूनना है। बेटा एक और बात जी। मैं बच्चियों को जिनकी शादी होने वाली है, आप सबको और सिमरा को बता रही हूँ कि देखें, गोश्त, कीमा, बीफ, भुनाई अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने सुस्ती की, भुनाई सही नहीं की, जल्दी जल्दी जान छुड़ाने के लिए खाना पकाया, आपका खाना मज़े का नहीं बनेगा। अच्छा आपा, इस तरह मेरे साथ ऐसा हुआ है, लाइक ऑयल भी मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में भी डाल दूँ, भुनाई के वक्त ऑयल ही ऊपर नहीं आता, वो क्या रीज़न है? मुझे आज रीज़न ये है, अभी आप देखो, अभी हमने इसको हल्की आँच पर पका जी जी। अगर आपने फुल आँच पर पकाया, तेल कभी भी ऊपर नहीं आएगा। सही है। आप मीडियम फ्लेम पर पकाओ और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, आप अच्छी तरह भूनो, तेल खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी डील है हमारे मैजिस्टिक शेफ की। और आपको पता ही है कि मैजिस्टिक शेफ पाकिस्तान का 75 साल पुराने और रिलायबल ब्रांड है, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन दिस। अच्छा, हरी मिर्चें हम लोग एंड में डालेंगे या कुछ लोग पहले डाल देते हैं कि खुशबू आ जाए? नहीं, हरी मिर्च एंड में, हरा धनिया गार्निश एंड में। ठीक है, एंड में मतलब जब हमारा कीमा गल जाए, तेल ऊपर आ जाए, दम पे जब हम रखते हैं, उस वक्त आप। ओके, समझ आया? जी जी, पक्का? जी जी, आ जाऊँ आपके घर खाने कीमा आलू? इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आई होप आप लोगों को हमारा मास्टर क्लास का आइडिया अच्छा लग रहा होगा। मैं मानती हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है आपा, वही पुरानी रेसिपी सिखा रही हैं। यस, पुरानी रेसिपी ज़रूर हैं, बट दीज आर वेरी बेसिक रेसिपीज़ जो सबको आनी चाहिए। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे प्रोग्राम शुरू के आप लोगों ने मिस किए हुए हैं, ठीक है, तो उस वजह से हमने ये रेसिपीज़ चुनी है, ख़ासकर उन बच्चियों के लिए, उन के लिए जो ब्राइड्स बनने वाली हैं, ब्राइड्स टू बी हैं, दे नीड टू नो बेसिक ऑफ कुकिंग, दैट्स वाई। ठीक है, इसी के साथ आ चुकी है ब्रेक, और ये कौन सी ब्रेक है? ये रीकैप ब्रेक है आज की। चल के रेसिपी का देखिए रीकैप, और फिर आज का शाम में शो 6 बजे और रात 12 बजे रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। हुमैरा ने ये जो दोनों रेसिपी सिखाई हैं, ये आपने ज़रूर देख के नोट करनी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। आलू कीमा, अज्जा चिकन का कीमा 1/2 किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चम्मच, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय का चम्मच, साबित हरी मिर्चें 4 अदद, चिली और कटे आलू 1 कप, छोटी मेथी 2 गट्ठी। तरकीब, तेल गर्म करके मिक्स साबित गर्म मसाला और स्लाइस प्याज फ्राई कर लें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और तमाम मसाले मिला के फ्राई करें, चिकन का कीमा और छिले कटे आलू डालकर पका लें और पानी मिलाकर पकाएं, फिर छोटी मेथी, हरी मिर्चें, कटा हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला डालकर ढकें और इसे चंद मिनट पका लें, आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर रोटी के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक, कैसी खुशबू आ रही है सिमरा? बहुत मजे की आ रही है, बस है ना? अभी टूट पड़ो उस पे। अच्छा, जल्दी से 2 रेसिपीज बता रही हूँ। अब यही कीमा बनाइए, और ये तैयारी पे जब हो, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालने से पहले इसमें 2-3 अंडे तोड़ दो, अंडे तोड़ दो, अच्छी तरह मिक्स करो, वो आपका अंडा घोटाला बन जाएगा। सही, ठीक, वेरिएशन हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। अच्छा, सेम कीमा बनाओ, सेम रेसिपी से। बिरयानी के लिए चावल उबाल लो, ठीक है, 1/2 चावल नीचे डालो, कीमा बीच में डालो, ऊपर चावल डालो, थोड़ा सा येलो कलर और केवड़ा डालो, कीमे की बिरयानी।
नाइस ठीक है। तीन रेसिपीज बता दी आपको एक ही कीमे से। सही है, इट्स वेरी सिंपल। कीमा आलू ख़त्म हो गए, कीमा बच जाए, डबल रोटी पे लगाया, मियाँ को सैंडविच बना के दे दिया। ठीक है, ठीक। तो कोई मसला है, कोई है तो फिर आप यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट एंड आस्क मी। आई होप यू एंजॉयड द शो। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की रेसिपीज थी, टिप्स भी एक्सपर्ट ने बहुत मज़े की दी। अब इंशाल्लाह मैं उसको यूज़ करूँगी। बिल्कुल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपका नसीब बुलंद करे और जहाँ आप जा रही हो वो लोग आपके लिए बहुत कदरदान साबित हो इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। कल हम जो नए गेस्ट के साथ और नए हमारे उसके साथ होंगे, एक्सपर्ट के साथ, तो कल का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड होम सिकनेस। कि जो बच्चियां बाहर जाती हैं, अल्लाह हर वक्त उनको माँ की याद, घर की याद आ रही होती है, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, तो कल का प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, सिमरा को, हम सबको दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह Masala to your life.